यहाँ पे तीन अर्न गिवन है, अर्न वन, अर्न टू, अर्न थ्री। अर्न वन की बात करें तो यहाँ पे 7 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल्स है, अर्न टू में 4 व्हाइट 6 ब्लैक बॉल्स है, अर्न थ्री में 2 व्हाइट और 8 ब्लैक कलर्स की बॉल रखी हुई है। अब कह रहा है वन ऑफ दीज अर्न इज चूजन एट रैंडम विथ प्रोबेबिलिटी 0.20, 0.60 एंड 0.20 रिस्पेक्टिवली। अब इन तीन अर्न में से रैंडमली हमें एक अर्न को चूज करना है, और अगर हम अर्न वन चूज कर पाए इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.20, अर्न टू चूज कर पाए इसकी प्रोबेबिलिटी 0.60 और अर्न थ्री चूज कर पाए इसकी प्रोबेबिलिटी 0.20 दी हुई है। अब कह रहा है फ्रॉम द चूजन अर्न टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अब जो भी अर्न हमने चूज किया उसमें से दो बॉल निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट का केस दिया हुआ है। इट मीन्स एक एक करके हमें दो बॉल निकालने हैं, पहले तो पहला बॉल निकाले और इस बॉल को फिर से अर्न में रिप्लेस नहीं करना है, और उसके बाद एक और बॉल निकालना है। तो इस तरीके से एक एक करके हमें दो बॉल उस चूजन अर्न में से निकालने हैं। ये क्लियर? इफ बोथ दीज बॉल्स आर वाइट, अब दोनों बॉल का कलर अगर वाइट है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज केम फ्रॉम अर्न थ्री। तो ये जो दो व्हाइट बॉल आपने निकाला है तो प्रोबेबिलिटी बताया कि ये दोनों व्हाइट बॉल अर्न थ्री से निकाला गया बॉल है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्लियरली बेस थ्योरम यहाँ यूज होगा। तो सबसे पहली चीज, इन तीन अर्न में से हम किसी भी अर्न को चूज कर सकते हैं, तो तीन इवेंट बना लीजिए। तो लेट ई वन, ई टू एंड ई थ्री बी द थ्री इवेंट। ई वन की अर्न वन को हम चूज कर रहे हैं, अर्न वन इज चूजन, ई टू अर्न टू इज चूजन और ई थ्री अर्न थ्री को हम चूज कर रहे हैं, तो अर्न थ्री इज चूजन। ये क्लियर? अब इस चूजन अर्न में से हमें दो व्हाइट बॉल निकालना है, तो इसके लिए एक इवेंट बना लीजिए। तो लेट ए बी द इवेंट द टू व्हाइट बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द चूजन अर्न। ये क्लियर? अब अर्न वन चूज हो इसकी प्रोबेबिलिटी तो पी ई वन ये दी हुई है 0.20 यानी कि 2/10। ये क्लियर? अब अर्न टू चूज हो यानी कि पी ई टू ये दी हुई है 0.60 यानी कि 6/10, और अर्न थ्री चूज हो यानी कि पी ई थ्री इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.20 यानी कि 2/10। ये क्लियर? अब अगर हम अर्न वन चूज करते हैं और उसके बाद इसमें से दो व्हाइट बॉल हमें निकालनी है, तो पी ए आफ्टर ई वन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए दो व्हाइट बॉल निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, तो यहाँ पे 7 व्हाइट है, तो फर्स्ट बॉल जो निकलेगा वो व्हाइट हो इसकी प्रोबेबिलिटी 7/10। अब इस बॉल को यहाँ रिप्लेस नहीं करना है तो अब यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा 6, तो दूसरा बॉल व्हाइट हो इसकी प्रोबेबिलिटी 6/9। ये क्लियर? अब अगर हम अर्न टू चूज करते हैं उसमें से दो व्हाइट बॉल निकाले तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पे 4 व्हाइट है और टोटल 10 है, तो फर्स्ट बॉल व्हाइट हो तो 4/10, उसके बाद इसको अर्न में रिप्लेस नहीं करना है तो यहाँ व्हाइट बचेंगे 3। सेकेंड बॉल व्हाइट हो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/9। ये क्लियर? हो सकता है कि हम अर्न 3 चूज करें उसके बाद दो व्हाइट बॉल निकाले, तो यहाँ पे व्हाइट है 2, तो पहला व्हाइट निकले तो 2/10। अब यहाँ पे 1 व्हाइट बचा, सेकेंड बॉल भी व्हाइट हो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/9। ये क्लियर? अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो यहां पे हमें बेस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम सबसे पहले तो दो व्हाइट बॉल निकालने हैं और उसके बाद देखना है कि ये जो है अर्न थ्री से निकाला गया बॉल हो, तो यानी कि ई थ्री, तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री आफ्टर ए। तो यहां पे अगर हम इवेंट की बात करें तो वो दो व्हाइट बॉल अर्न थ्री से निकला गया हो, तो ये कब होगा कि जब हम अर्न थ्री सेलेक्ट करें। ये क्लियर? एंड उसके बाद दो व्हाइट बॉल हम यहां से निकाल ले। ये क्लियर? तो ये हो गया इवेंट। अब अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो ओवरऑल पॉसिबिलिटीज, हो सकता है हम अर्न वन सेलेक्ट करें और उसमें से दो व्हाइट बॉल निकाले और प्लस आएगा, हो सकता है हम अर्न टू सेलेक्ट करें और उसमें से दो व्हाइट बॉल निकाले और प्लस आएगा, हो सकता है हम अर्न थ्री सेलेक्ट करें और उसमें से दो व्हाइट बॉल निकाले, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो देखिए ये बन जाएगा पी ई थ्री 2/10, पी ए आफ्टर ई थ्री तो ये हो जाएगा 2/90,
पी ई वन 2/10, पी ए आफ्टर ई वन 42/90, पी ई टू 6/10, पी ए आफ्टर ई टू 12/90, देन पी ई थ्री 2/10, पी ए आफ्टर ई थ्री 2/90, ये क्लियर। अब नीचे से 10 × 90 हर टर्म से अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इन दोनों टर्म को ऊपर 2 से कैंसिल कर दे तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा 21, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ऊपर से हर दो टर्म को 2 से कैंसिल कर दिए तो यहाँ पे ये बन गया 1/, यहाँ पे आ गया 21 प्लस 3 × 6 18 प्लस 1, तो ये बन गया 1/21 प्लस 19 40, 1/40 ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन जाएगी।